कांग्रेस के इंदुराज ने जीता बड़ौदा उपचुनाव, 12,300 वोटों से भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को हराया। हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के ने बाजी मार ली। पहले राउंड से ही लगातार बढ़त बनाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को शिरकत दी। बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा जसपा गठबंधन के पहलवान योगेश्वर दत्त, कांग्रेस से इंदुराज नरवाल और इनेलो से जोगेंद्र मलिक, लोसपा से राजकुमार सैनी सहित 14 प्रत्याशी मैदान में थे। योगेश्वर दत्त को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। वोटों की गिनती शुरू होने के साथ कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने बढ़त बना ली थी। हालांकि दूसरे राउंड की गिनती में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त आगे निकल गए थे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज ने फिर तीसरे राउंड में बढ़त बना ली। इसके बाद वह लगातार जीत की तरफ बढ़ते गए। बड़ौदा हलका के उपचुनाव में मतगणना के दौरान सुरक्षा के मैनेजर गांव मोहाना स्थित बिट्स कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र में मंगलवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। कुल 14 टेबल पर 20 राउंड में मतगणना हुई। सुरक्षा के मैनेजर मतगणना केंद्र के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई थी। भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट्स में बने स्ट्रॉन्ग रूम के पास ही मतगणना केंद्र भी बनाया गया था। मतगणना को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से उपायुक्त ने धारा 144 लगाने के आदेश जारी कर दिए थे। गोहाना सोनीपत रोड पर मतगणना केंद्र अवस्थित होने के कारण सोनीपत गोहाना के बीच चलने वाले वाहनों के रूट भी डाइवर्ट किया गया था। कॉलेज के अंदर और बाहर के क्षेत्र में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में राय के BDPO राजेश टिवाना को नियुक्त किया गया था, जिसके साथ झज्जर के उप पुलिस अधीक्षक सोमवीर सिंह थे। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त सुभाष चंद्र को भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में बिट्स कॉलेज से बड़ौदा फ्लाईओवर और बाईपास को आना के क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनके साथ उप पुलिस अधीक्षक सिटी सोनीपत डॉक्टर रविंद्र कुमार भी थे।